असलकुम प्यारे बच्चों मेरा नाम साजिदा बेगम है मैं जी पी यू कॉलेज चितवाड़गी हाई स्कूल की टीचर हूँ हॉस्पेट तालुक़ ज़िला बल्लारी बच्चों आप सब लोग मुझे जानते हैं इससे पहले भी हम लोग मिल चुके हैं सबसे पहले अजीज़ तलबा तालिबात मैं आप लोगों का इस ई क्लास कमरे जमात में खुशामदीद करती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज का सबक सुनेंगे और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग कापी और पेन लेकर तैयार होंगे ताकि यहाँ पर दिए गए अहम नुकात और सरगर्मियों को आप लोग पूरा कर सकें तो आइए बच्चों आज हम समाजी तालीम में दसवीं जमा से समाजियात के पहले सबक पर रोशनी डालने जा रहे हैं सबसे पहले आप लोगों के लिए यहाँ पर एक सरगर्मी है बच्चों आप लोग इसे पूरा कीजिए आप लोगों को स्क्रीन पर तस्वीर दिखाई दे रहे हैं आप इनको पहचान कर बताइए कि ये कौन से तस्वीर हैं सही पहचाना आप लोगों ने ये अमीर लोगों के मकान देखिए कितने आलिशान होते हैं ये अमीर लोगों के मकान कहलाते हैं उसी तरह से इस तस्वीर को पहचान कर बताइए ये आप क्या देख सकते हैं इस तस्वीर में ये भी आप लोगों ने सही पहचाना ये गरीब लोगों के मकान है किस तरह के झोपड़ हैं छोटी हैं स्लम एरियाज हैं वगैरह आप लोग इस तस्वीर में देख सकते हैं उसी तरह से बच्चों इस तस्वीर को पहचानिए ये भी आप लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना ये है अमीर लोगों के रहन सहन यानी किस तरह से आलिशान खाना वगैरह खाते हैं किस तरह से पार्टियाँ वगैरह अटेंड करते हैं तो ये तमाम अमीर लोगों के रहन सहन कहलाते हैं अच्छा इस तस्वीर को पहचानिए ये भी आप लोगों ने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया है ये गरीब लोगों के रहन सहन है आप लोग देख सकते हैं किस तरह से भूख के लिए तरस रहे हैं किस तरह से छोटे मोटे घरों में जो मिला वो खा रहे हैं तो ये गरीब लोगों के रहन सहन है तो बच्चों इससे हमें ये बात का पता चलता है कि दुनिया में सब मसावी और एक ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हैं तो आइए इन्हीं तफरीक को जानने के लिए इस सबक को पढ़ते हैं तो बच्चों आज हम समाजियात का पहला सबक समाजी परतों के निज़ाम पर रोशनी डालेंगे इसके अहम नुकात क्या हैं ये भी देख लीजिए समाजी मसावात और समाजी परतें और इसका निज़ाम इन दोनों के बारे में आज हम मालूम हासिल करेंगे समाजी मसावात में हम क्या देखने वाले हैं तालीमी जिनसी और इनफरादी गैर मसाव को देखेंगे उसी तरह सा समाजी परतों में हम इसकी खसूसियात और इसकी शक्लें कौन कौन सी हैं इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं आज की सलाहियतों को देख लेते हैं बच्चों आज हम मुख्तलिफ समाज की निज़ाम को जानेंगे यानी दुनिया में कितने कस्म के समाजी निज़ाम हैं वो जानेंगे उसके बाद हम समाज के हर फिर के लोगों को बराबरी मसावत और इज्जत की नज़र से देखना सीखेंगे उसके साथ साथ आज हम हमारे दस्तूर के चंद को जानना इनका एहतराम करना और इस पर अमल करना भी सीखेंगे यानी इसमें जो क़ानून दिखाए जाएंगे उनको हम जानेंगे भी पहचानेंगे भी और उसको अमल करना भी आज हम सीखेंगे तो आइए सबसे पहले देखते हैं समाजी गैरमसावत क्या है ये समाजी गैरमसावत समाज में जिन ज़ात पेशा गुरु आमदनी के जराए तालीम रोजगार के मौक़े मेहनत तंदुरुस्ती की सहूलियत, सियासी नुमाइंदगी और हिस्सादारी के बिना पर जो लोगों में फ़र्क किया जाता है इसी को समाजी गैर मसावात कहा जाता है यानी किसी इंसान को उनके जात पात उनके रंग उनकी तंदुरुस्ती नुमाइंदगी वगैरह वगैरह पर जो डिसाइड करते हैं जो जज करते हैं उनको जो अलग अलग फ़िरक़ों में बांटा जाता है यही समाजी गैरमसावत कहलाता है इसके वजूहत क्या हैं रीज़न क्या हैं समाज की तश्ील के लिए ज़रूरी अशिया आमदनी मौाक़े एजाजात और मकाम को गैर गैरमसावी सरबराही या तकसीम का नतीजा ही समाजी मसावत कहलाता है और ये कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है समाजी खिदमा के महकमे जैसे सहत आमा तलीम आमा समाजी तहफुज और इंसाफ के बिना पर गरीबों को जीने के मौक़ों से महरूम किया जा रहा है यानी सिर्फ़ उनके रंग और ज़ात पात के बिना पर उनको कई सारे सहूलतों से हम उनको महरूम कर रहे हैं ये बहुत ही गलत बात है इस तस्वीर को देखिए बच्चों ये तालीम और आदम मसावत के लिए है इस तस्वीर में आप लोग क्या देख सकते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पर ये भी सही कहा आप लोगों ने तालीम याफ्ता बच्चे कहलाते हैं ये किस तरह से डिसिप्लिन से नीटनेस से हैं आप लोग तस्वीरों में देख ही रहे हैं तो ये बच्चे तालीम याफ़्ता बच्चे हैं आइए एक और तस्वीर देख लेते हैं इसको पहचानिए है. इसमें आप लोग क्या देख सकते हैं सही कहा आप लोगों ने बच्चा मजदूर जिसे हम चाइल्ड लेबर भी कहते हैं तो देखिए बच्चे छोटी छोटी उम्र में ही कितनी मेहनत मजदूरी का काम कर रहे हैं ये तमाम बच्चा मजदूर कहलाते हैं तालीम और मसावात जो हमारा पहला नुकात हमने देखा था आइए देखते हैं तालीम से मसावत मसावी हिस्सादारी या और समाजी इंसाफ में अहम तब्दीलियाँ लाने की कवत होती है यानी जो इंसान तालीम हासिल करेगा वो बहुत सारे चेंजेस समाज में ला सकता है हमारे आईनी पेशकश और रियासती हिदायत असूल के बाद में क़ानूनी नुक नज़र से तालीमी सहूलियात और समाजी मसावत को बताया गया है यानी हमारे आईनी पेशकश क़ानून में भी यही बताया गया है कि क़ानूनी नुक नज़र से तालीमी सहूलियात हर समाज को मसावी मिलना चाहिए तो इस तरह से आइए बच्चों यहाँ पर एक सरगर्मी कर लेते हैं आप लोगों को सही जवाब का इंतखब करना है और सही जोड़ लगाना है आइए देखते हैं यहाँ पर देखिए आप लोगों को मल्टीपल चॉइस नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं आप उनमें से सही जवाब चुनकर सही लग... जवाब चुनकर वहाँ पर डैश में भर्ती कीजिए तो यहाँ पर पहला जुमला है हमारे दस्तूर के डैश में दफा में समाजी इंसाफ और बहबूदी के मौके फराहम किए गए हैं तो बताइए कि हमारे दस्तूर में समाजी इंसाफ किस दफा के तहत दिया गया है नीचे आप ऑप्शंस देख ही सकते हैं पैंतालीस है उनचास है उसी तरह से छियालीस है तीस है तो आइए देखते हैं सही जवाब क्या है बिल्कुल सही आप लोगों ने कहा है बच्चों उनचालीस जो है उनचालीसवीं दफा के तहत हमारे मुल्क में समाजी इंसाफ की बात बताई गई है उसी तरह से दूसरा जुमला यहाँ पर है में दफा में मुल्क भर के 14, Toh, -ta this right 14, uh... UCS, 14 hmm. साल के तमाम बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम फराहम करने की बात बताई गई है तो बताइए कौन से दफा के तहत ये किया गया है ये भी आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा पैंतालीसवीं दफा के तहत तमाम बच्चों को 14 साल तक के तमाम बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम की बात बताई गई है उसी तरह से मेरा तीसरा जुमला है कि डैश में दफ़ा के तहत तमाम शहरीों को मजहबी आज़ादी और इजहार ख्याल की आज़ादी को बुनियादी हक हाँ करार दिया गया है हमारे मुल्क में तमाम शहरीों को मजहब की भी आज़ादी है और इजहार ख्याल की भी आज़ादी है तो ये कौन से दफ़ा के तहत किया गया है ये भी आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा दफा उन्नीस के तहत ये किया गया है तो आइए आगे बढ़ते हैं चौथा यहाँ पर जुमला है डैश में दिफा में अखलीतों की ओतीक़ को फ्राहम किया गया है अकलीतों की ाफ़ती हकूक़ कौन से दफा के तहत उनको फ्राहम किया गया है वो है उनतीसवें दफा के तहत उसी तरह यहाँ पर पाँचवा जुमला है डैश में दफा अकलीतों की तालीमी इदारे क़ायम करने का खसूस मौका फ्राहम करता है यानी जो पिछड़े ज़ात के लोग हैं उनको तालीम फ़राहम करने का मौका किस एक्ट के तहत दिया गया है ये भी आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा है बच्चों दफ़ा तीस तीस में एक्ट के तहत ये हुकूक इनको फ्राहम किया गया है उसी तरह से यहाँ पर छठा जुमला है डैश में दफ़ा इनके तालीमी हकूक़ की हिमायत करता है इनके का मतलब है निचले जात के लोगों के तालीमी हकूक़ की कौन सी दफ़ा यानी कौन सा एक्ट उनको महफूज तहफूज सेफ्टी फ्राहम करता है ये भी आप लोगों ने सही कहा बच्चों दफ़ा छियालीस के तहत उनको इसकी तहफ़ फ्राहम किया गया है आइए अब आगे बढ़ते हैं तो दफ़ा 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट की रू से स्कूली तालीम को बुनियादी हक करार देना तमाम तर कोशिशों के लिए एक नया मोड साबित हुआ है और साथ साथ इसके ज़रिए तालीम से महरूम बच्चों के लिए एक नई उम्मीद पैदा हुई है यानी इस दफा के तहत तालीम से जो बच्चे महरूम रह रहे थे उन लोगों के लिए एक उम्मीद पैदा हुई है कि वो भी तमाम के साथ मिलकर तालीम हासिल करेंगे और साथ साथ 1993 में आंध्र प्रदेश हुकूमत के मुकदमे के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पैदाइश से लेकर 14 साल की उम्र के तमाम बच्चों के लिए तालीमी हक एक बुनियादी तलीक फराम किया है यानी हर बच्चे को तालीम मिलना उसका बुनियादी हक करार दिया गया है इस फैसले में अदालत ने आंगनवाड़ी से लेकर आला तालीम और पेशा वाराना तालीम को शामिल करते हुए तमाम तर तालीम को मुकम्मल और मजमी नुक नज़र से देखने को कहा गया है यानी हुकूमत ने सबको एक फरमान जारी किया है कि हर बच्चे को हर तरह की तालीम मिलना चाहिए और ये बिल्कुल ही ज़रूरी है अला तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक़ हाँ है उसी तरह इस फैसले के तहत इस मुल्क का हर शहरी तलीम का बुनियादी हक हाँ रखता है हर शहरी इस मुल्क का हर शहरी जो है उसको बुनियादी तालीम चौदह साल तक की तालीम कंपलसरी मिलनी ही चाहिए उसके बाद जो है वो ऑप्शनल अपनी मर्जी से या फिर कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं मगर चौदह साल तक बुनियादी हक़ है बच्चे का तालीम मिलना है और ये जीने के हकूक़ का हिस्सा भी है तो बच्चों लेकिन आज कल तालीमी इलाकों में आदम मसावत को बढ़ावा देने वाले कवानीन बढ़ते ही जा रहे हैं अदम मसावत का मतलब है मसावत का ना मिलना इसके अलावा तालीमी मौके को हासिल करने में समाज के मुख्तलिफ माशी ग्रोहों के दरमियान आदम मसाव को हम महसूस ही कर सकते हैं अपनी खुद गर्जी के लिए सेल्फिशनेस के लिए लोग क्या कर रहे हैं बहुत सारों को तालीम के हक़ से महरूम करते जा रहे हैं लेकिन फिर भी दस्तूरी हक़ूक़ के मौके का मुनासिब इस्तेमाल करते हुए तालीम को रोकने की कोशिश आजाद हिंदुस्तान में मुसलसल चलती आ रही है इन तमाम के बावजूद भी हमारी हुकूमत जो है, वो हर बच्चे को तालीम पहुंचे इसका मुसलसल ख्याल रखते आ रही है अब हम आदम मसावत का दूसरा अहम नुकात यानी जिनसीदम मसावत के बारे में मालूम हासिल करेंगे तो जिनसीदम मसावत के वजुहत क्या हैं आइए उसे देख लेते हैं स्कूली तालीम की सहूलियत का ना मिलना ग़ज़ा और सेहत की सहूलियात ना मिलना लड़कियों और लड़कों की तालीम की गैर गैरमसावी तरकीब देना यानी एक तो स्कूल जाने का मौका नहीं दिया जा रहा दूसरा सेहत और ग़ज़ा उनका सही नहीं फरहम हो रही है तीसरा क्या है लड़के और लड़कियों की तालीम में फ़र्क किया जा रहा है जिनसे अदम मसावत को आप यहाँ पर देख ही सकते हैं बहुत सारे लोग कहे इतने बीमार और ये हैं भूख से अभी भी परेशान हैं उसी तरह से आइए एक जायज़ा यहाँ पर देख लेते हैं कि 1915 और 16 के कौमी ख़ानदानी सेहत पर मुबनी जायजे के मुताबिक कर्नाटक के देही इलाकों का चौबीस अशारिया तीन फ़ीसद और शहरी इलाकों के सत्रह फ़ीसद औरतों का वज़न अखल तरीन हद से भी कम है यानी इस साल के जायजे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर औरतों का वज़न बहुत ही कम पाया गया उसी तरह से 6 से लेकर छप्पन महीनों की उम्र तक के 60 फीसद बच्चे खून की कमी का शिकार पाए गए यानी उनमें खून की बहुत ज़्यादा कमी देखी गई उसी तरह से छियालीस फ़ीसद हामिला औरतें खून की कमी का शिकार दिखाई दी इसी सूरत हाल में बच्चों और औरतों की सेहत गई तहफ़ और तलीमी मदद के ज़रिए जिनसे अदम मसावत को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है तो आज हर बच्चे को हर औरत को अच्छी गज़ा अच्छी सेहत अच्छी तालीम के ज़रिए उनके हालात को सुधारने की पूरी कोशिश हुकूमत कर रही है अब हम हमारा दूसरा नुकात यानी समाजी परतें और इसका निज़ाम पर रोशनी डालेंगे तो बच्चों क्या है ये समाजी परतों का निज़ाम एक समाज में रहने वाले अफराद को ऊंच नीच आला अदना की हैसियत से दर्जा बंदी करके इन्हें अलग अलग समाजी मुकाम देने का अमल ही समाजी परतों का निज़ाम कहलाता है यानी समाज के अफराद को उनके जात पात ऊंच नीच की बुनियाद पर जो फ़र्क किया जाता है वही समाजी परतों का निज़ाम है इसी तरह समाज के अफराद को मुख्तलिफ परतों में तकसीम करने या इनकी हैसियतों में दर्जा बंदी करने के अमल को ही हम आसान अल्फाज में समाजी परतों का निजाम कहते हैं तो बच्चों इसके खसूसियात क्या हैं आइए वो भी देख लेते हैं आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं क्या है समाजी परतों के निज़ाम की अहम खूसियात पहला जो है समाजी परतों की तश्कील एक समाजी अमल है दूसरा समाजी परतों की तश्कील जामा और मुकम्मल होती है तीसरा समाजी परतों का निज़ाम नहायत कदीम है उसी तरह से चौथा यहाँ पर हम देखेंगे कि समाजी परतों का निज़ाम मुख्तलफ़ शक्लों में पाया जाता है तो आइए एक के बाद देखते हैं पहला है सामाजिक परतों की तश्कील एक सामाजिक अमल है सामाजिक परतों को अफराद की जिस्मानी खसूसियात और इनकी जिस्मानी हैसियत और अहमियत की बुनियाद पर किया जा रहा है मिसाल के तौर पर एक शख्स के इनफरादी जिस्मानी ऊंचाई खूबसूरती ताकत हिम्मत पर ही समाजी मुकाम का मख्स ना हो बल्कि तालीम आमदनी पेशा महारत वग़ैरह जैसे पहलुओं पर भी मुनहसर होनी चाहिए यानी एक इंसान को ज़ाहरी तौर पर देख कर हम ये नहीं बता सकते कि ये किस तरह का समाज का है तो बल्कि उसको हम क्या करना चाहिए उनकी महारतों को उनकी तालीम को उनकी खूबियों पर हम ये जज करें तो ज़्यादा बेहतर होगा उसी तरह से दूसरा है जाम और मुकम्मिल है इंसानी समाज जहाँ जहाँ पाया जाता है वहाँ वहाँ समाजी परतों की तश्कील हम देख सकते हैं ये एक आलमगीर अमल है पूरी दुनिया में पाया जाता है मज़दूरों की तकसीम पेशा आमदनी और दीगर समाजी नुकात की बुनियाद पर समाजी परतों का निज़ाम तश्कील पाता है जो नहीं होना चाहिए और जो एक बिल्कुल इंसानी गैर नहायती गैर इंसानी अमल है समाजी परतों का निज़ाम नहायत ही कदीम है यानी यानि इंसान की पैदाइश के ज़माने से ही ये निज़ाम रायज है खाना बदोश तरीके ज़िंदगी से लेकर जदीद तर्ज ज़िंदगी तक समाजी परतों का निज़ाम अलग अलग सूरतों में चला ही आ रहा है जो हम जानते ही हैं और ये मुख्तलिफ़ अशकाल में पाया जाता है इसकी कई सारी शक्लें हैं वो भी हम देखेंगे समाजी परतों का निज़ाम तमाम समाजों में एक ही नाम से मौजूद ना रहते हुए अलग अलग शक्लों में मौजूद है मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊंगी कि हिंदुस्तान में ये कर्मा सिद्धांत की बुनियाद पर मुश्तमिल है कर्मा सिद्धांत की बुनियाद पर पहले इसको तकसीम किया गया था जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के तौर पर समाज को चार हिस्सों में तकसीम किया गया था इसके बारे में हम और मजीद मालूम हासिल करेंगे जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं ब्राह्मण खानदान को ऊंचे दर्जा दिया गया था उसके बाद आता है क्षत्रिय खानदान उसके बाद वैश्य उसके बाद शूद्र और उसके बाद हरिजन जिसे हम निचली जात कहते हैं इस तरह से समाजों को बांटा गया था तो बच्चों इसमें भी आप लोग देख सकते हैं ब्राह्मण से एक तरफ है दूसरी तरफ क्षत्रिय हैं तीसरी तरफ हम देख सकते हैं कि वैश्य और चौथा शूद्र इनके काम भी हम देखेंगे आगे तो एक सरगर्मी यहाँ पर कर लेते हैं बच्चों आपको खाली जगहों को भर्ती करना है समाजी इख्तलाफ डैश समाजी मौक़ों का नतीजा है तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए बच्चों सही कहा आप लोगों ने गैर मसावी समाजी मौक़ों का नतीजा है उसी तरह से यहाँ पर तालीम अपने अंदर मसावत और डैश लाने की कवत रखती है एजुकेशन से तालीम से क्या क्या हम ला सकते हैं बदलाव हम एक सा दारी का मौका हासिल कर सकते हैं बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने तीसरा यहाँ पर मेरा जुमला है हमारे आईनी पेशकश और डैश उसूल में तालीमी सहूलियात को बताया गया है किस में बताया गया है बच्चों भी सही है रियासती हिदायत उसूल में तालीमी सहूलियात को बताया गया है अब मेरा चौथा यहाँ पर जुमला है दफा पैंतालीस में मुल्क भर के तमाम बच्चों को मुफ्त और डैश तालीम की बात बताई गई है जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को मुफ्त और किस तरह की तालीम लाजमी तालीम बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने यानी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जिसे हम कहते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं अब हम समाजी परतों के निजाम की अहम शक्लें कौन कौन सी हैं ये भी देख लेते हैं समाजी परतों का निज़ाम आलमगीर होने के बावजूद ये एक शक्ल में मौजूद नहीं है बल्कि इसकी कई सारी शक्लें हैं जो हम देखेंगे आइए हदीम समाज से लेकर डिजिटल समाज तक समाजी परतों के निज़ाम की अहम शक्लें कौन कौन सी हैं ये देख लेते हैं कदीम ज़माने से लेकर आज का डिजिटल समाज जो है आज तक कौन कौन सी यहाँ पर समाजी परतों की शक्लें हैं देखेंगे तो सबसे पहला है कबाइली समाज जिसे हम प्रिमिटिव सोसाइटी कहते हैं उसके बाद आएगा ग़ुलामी समाज यानी स्लेवरी जिसे हम कहते हैं उसके बाद तीसरा यहाँ पर शक्ल है जागीरदारी निज़ाम एस्टेट सिस्टम जिसे हम कहते हैं उसके बाद आएगा वरना निज़ाम जिसे वरना सिस्टम कहते हैं और पांचवी यहाँ पर अहम शक्ल है जाती निज़ाम जिसे हम कैस्ट सिस्टम कहते हैं तो ये तमाम सामाजिक परतों के निजाम की अहम शक्लें कहलाती हैं आइए इनको एक के बाद एक तस्वीरों के साथ हम फोटोज के साथ देखते जाएंगे इस तस्वीर को पहचानिए बच्चों ये कौन सा समाज आपको दिखाई दे रहा है सही पहचाना आप लोगों ने ये कबाइली समाज है जो कबीले में रहता है और इस तरह से वो लोग ज़िंदगी गुजारते हैं ये देखिए ये भी कबाइली समाज है खाना बदोश जिसे हम कहते हैं ये लोग एक जगह पर ना रहते हुए बार बार अपनी जगह बदलते रहते हैं इसीलिए इनको खाना बदोश का नाम दिया गया है इस समाज को पहचानिए बच्चों ये कौन सी तस्वीर है और कौन सा समाज को बताती है ये भी सही पहचाना आप लोगों ने ये गुलामी समाज है तस्वीरों में देखकर हम बासानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से रंग की बुनियाद पर उनकी जात की बुनियाद पर उनके साथ जुल्म हो रहा है इतने सारे जुल्मों को आप लोग देख ही रहे हैं ये एक और देखिए किस तरह से उनको इस्तेमाल किया जाता था उनसे काम लिया जाता था तो ये कहाँ कहाँ पर हम देख सकते हैं स्लेवरी हमने यहाँ पर यूरोप में देख सकते हैं रशिया में यहाँ पर मौजूद था एशिया पैसिफिक में भी मौजूद था उसी तरह से यहाँ पर आ, सहारा यानी अफ्रीका में मौजूद था और दूसरा अमेरिका वगैरह में ये तमाम ग़ुलामी के निज़ाम हम देख सकते हैं आइए अगला देखते हैं इस तस्वीर को पहचानिए ये कौन सी तस्वीर है ये भी आप लोगों ने सही अंदाज़ा लगाया जागीरदारी निज़ाम जिसे हम इस्टेट सिस्टम कहते हैं यानी बड़े बड़े जागीरदार जो अपने पास जागीर रखते थे इस निजाम को पहचानिए बच्चों इसे आप पहले भी देख चुके हैं सही पहचाना यह है वर्णा निजाम जिसके चार होते हैं मैंने बताया था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र तो ये वर्णा निजाम था जो हिंदुस्तान में पहले रायज था और ये तस्वीर को पहचानिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है आप पहचान सकते हैं कैस्ट सिस्टम जिसे हम कहते हैं यानी जाति निजाम यानी यहाँ पर कई सारे ज़ात के लोगों के साथ आप तस्वीर में देख सकते हैं हिंदुस्तान में इतने जाति निज़ाम पाए जाते हैं तो बच्चों यहाँ पर आज का हमारा यूनिट ख़त्म होता है अब हम एक सरगर्मी कर लेते हैं और चंद सवाल देख लेते हैं आइए एक सरगर्मी कर लेते हैं आपको मुनासिब अल्फाज से जोड़ लगाना है सबसे पहला यहाँ पर मेरा जुमला है अफराद को ऊंच नीच आला आदना में दर्जा बंदी करना कौन सा समाज का निज़ाम कहलाता है बच्चों सही कहा आप लोगों ने ये समाजी परतों का निज़ाम कहलाता है यानी अपराध को आला ऊंचा, नीच आला और अदना के मामले में जो दर्जाबंदी किया जाता है उसी को समाजी परतों का निजाम कहते हैं तो यहाँ पर दूसरा मेरा अहम जुमला है चौदह साल के तमाम बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम फराहम करना ये किस दिफा के तहत आता है बताइए आप लोग इसके बारे में मालूम हासिल कर चुके हैं सही जवाब दिया आप लोगों ने दफा पैंतालीस के तहत मुल्क भर के तमाम बच्चों को छः से लेकर चौदह साल की लेकिन अब इसकी उम्र और बढ़ाई गई है बच्चों अब चौदह साल ही नहीं बल्कि अट्ठारह साल तक के तमाम बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम फराहम की जा रही है उसके बाद यहाँ पर तीसरा मेरा जुमला है अकलीतों के तालीमी इदारे कायम करना ये कौन से दिफा के तहत यानी किस एक्ट के तहत किया गया था सही अंदाज़ा लगाया आप लोगों ने ये दफा तीस के तहत अखिलियतों के तालीमी इदारे क़ायम किए गए अखिलियतों यानी निचली जात के लोगों के लिए भी अच्छे से अच्छी तालीम की सहूलियात दफ़ा तीस के तहत फराहम किए जा रहे हैं उसके बाद मेरा चौथा यहाँ पर सवाल है तमाम शहरीों को मजहबी और इजहार ख्याल की आज़ादी यानी हर मज़हब के लोगों को अपने पसंद का मजहब चुनने के लिए और हर मजहब को आज़ाद से रहने के लिए और अपनी बात को इजहार ख्याल करने के लिए कौन से एक्ट के तहत यहाँ पर आज़ादी दी गई है सही कहा आप लोगों ने दफ़ा 19 के तहत तमाम को मजहब की आज़ादी और इजहार ख्याल की आज़ादी का मौका मिला है उसके बाद यहाँ मेरा पाँचवा जुमला है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये किस निज़ाम से ताल्लुक़ रखते हैं बच्चों बिल्कुल सही कहा कर्मा सिद्धांता की बुनियाद पर निजाम में ये था हिंदुस्तान में पहले समाजी के निजाम की अहम मैंने अभी-अभी आप लोगों को बताई थी बताइए वो कितनी शक्लें थी बिल्कुल सही आप लोगों ने अंदाजा लगाया है पांच शक्लें इसकी मौजूद हैं आप लोगों ने तमाम सवाल के सही जवाब दिए हैं मैं आप लोगों को बहुत ही मुबारकबाद पेश करती हूँ आइए अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारा ये सबक ख़त्म होता है अब मैं आप लोगों से आप लोगों को इतनी देर हुई मालूम के बिना पर चंद सवाल पूछना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग इसका सही जवाब देंगे तो कापी और पेन लेकर तैयार हो जाइए मेरे साथ साथ जवाब लिखते जाइए पहला मेरा यहाँ पर सवाल है दस्तूर के कौन से दफा के तहत अकलीतों को तालीमी सहूलियात फराम किए गए हैं किस एक्ट के तहत उनको एजुकेशन का हुकूम दिया गया है बच्चों सही जवाब दिया आप लोगों ने उनतीसवीं एक्ट के तहत यहाँ पर अकलीतों को तालीमी सहूलियात फ्राहम किए गए हैं उसी तरह से मेरा दूसरा यहाँ पर जुमला है समाजी परतों के निजाम की अहम शक्लें कौन सी हैं अभी, अभी अभी आप लोगों ने तस्वीरों के साथ तमाम शक्लों को देखा तो बताइए कौन कौन सी शक्लें समाजी परतों के निजाम में पाई जाती हैं ये भी सही कहा आप लोगों ने कबाइली समाज जो आज भी मौजूद है कई जगहों पर गुलामी निज़ाम जागीरदारी निजाम वरना निजाम और जाति निजाम इस तरह के पांच शक्लें यहाँ पर पाई जाती हैं। तीसरा मेरा यहाँ पर सवाल है बच्चों सामाजिक परतों के निजाम से क्या मुराद है जल्दी से आप अपने कापियों में लिख दीजिए इसका मतलब आप जानते ही हैं सही जवाब दिया आप लोगों ने एक समाज में रहने वाले अफराद को ऊंच नीच आला अदना में दर्जा बंदी करने के अमल को ही हम समाजी परतों का निजाम कहते हैं ना कि उनकी अंदरूनी खूबसूरती बल्कि ज़ाहरी उनकी नज़ाकत को देख कर उनकी ऊँच नीच को देख कर उनकी दर्जाबंदी जो की जाती है वही समाजी परतों का निज़ाम कहलाता है जो एक बिल्कुल गैर इंसानी अमल है उसके बाद मेरा चौथा यहाँ पर सवाल है इस कलंक को दूर करने के लिए किन किन लोगों ने कोशिशें की थी इसके बारे में आपको मालूम ज़रूर होंगे अगले क्लास में हम और ज़्यादा मज़ीद मालूम हासिल करेंगे तो बताइए किस किन 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 हस्तियों ने इस कलंक को मिटाने के लिए कोशिशें की थी सही जवाब दिया आप लोगों ने ज्योतिराव फुले स्वामी विवेकानंदा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी जैसी हस्तियों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी तो बच्चों मैं यहां पर एक बात आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगी कि ये तमाम जो समाज में अलग अलग फ़िरक़े और गैर मसावात जो हम देख रहे हैं ये कदीम हिंदुस्तान में मौजूद थे लेकिन आज हिंदुस्तान का हर शहरी और हर शख़्स को मसावी हकूक़ हासिल हैं और एक सा मौाक़े हासिल हैं और हमारा मजहब भी यही सिखाता है कि सब इंसान आपस में भाई भाई हैं और किसी में कोई भी भेदभाव या फ़र्क नहीं होना चाहिए हर इंसान को हर इंसान एक सा की इज्जत और नज़र से देखे और उसको मसावी हो हासिल हो यही बिल्कुल सही है तो बच्चों आइए अब घर पर काम देख लेते हैं आप लोगों को यहाँ पर चंद सवाल में दे रही हूँ आप इसका सही जवाब लिख कर अपने से चांस जरूर करवा लें पहला है समाजी परतों के निज़ाम से क्या मुराद है इसके बारे में आप मालूम हासिल कर चुके हैं आप इसका जवाब लिखिए दूसरा मेरा सवाल है समाजी गैर मसाव के वजूहत क्या हैं अभी हमें हमने देखा अपनी क्लास में कि क्या क्या वजूहत के बिना पर समाज में गैर मसावात चलते आ रहे हैं उसी तरह से मेरा तीसरा यहाँ पर सवाल है कर्मा सिद्धांता के उसूल क्या हैं। इसे भी आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा है बच्चों कर्मा सिद्धांत के उसूल क्या बताते हैं कौन कौन से फिर इसमें मौजूद थे ये आप लोगों को बताना है उसी तरह से यहाँ पर मेरा चौथा सवाल है अखिलियतों की बहबूदी के लिए कौन कौन से दफ़ा जारी किए गए हैं बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर कई सारे देखे हैं अकलीतों के दफ़ा के लिए उनकी मजहब की आज़ादी के लिए उनकी तालीमी सहूलियात के लिए और उनको शहरीों का तहफ़ फ़रहम करने के लिए इन तमाम एक्ट्स को आप दफ़ा नंबर के साथ लिखकर जवाब को तैयार कीजिए आइए अब हम यहाँ पर हमारा मनसूबाती सरगर्मी क्या है वो भी देख लेते हैं तो सबसे पहला यहाँ पर यह है कि मुख्तल समाज सुधार रहनुमाओं की तस्वीर इकट्ठा करें और एक एल्बम तैयार करें सबसे पहले आप इनके नाम दर्ज कर लीजिए और उसके बाद उन तमाम को नामों के साथ आप तस्वीरें लगाइए अपने कापी में प्रोजेक्ट वर्क के तौर पर तस्वीरों को छस्पान कीजिए और उसके बाद एक प्रोजेक्ट बनाकर अपने उस्ताद से जांच करवा लें और बच्चों मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगी कि जो तमाम फ़िरक़े समाज में हमें अब भी देखे हैं उन तमाम को आप लोग क्या करना है अहतराम और इज्जत से देखना है समाज का हर फिरखा जो है वो मसावी हकूक़ रहता है यहाँ पर हिंदुस्तान में जो भी बच्चा पैदा होता है वो यहाँ का शहरी होता है और उसको हर इंसान को मसावी हकूक़ ख़ुद ब खुद मिल जाते हैं किसी को देने की ज़रूरत नहीं होती तो पहले जो निज़ाम था उसको नहीं बल्कि आज हम तमाम मिलजुल कर तमाम भाई भाइयों की तरह इस मुल्क में रहना बहुत अच्छा है बच्चों मैं आप लोगों को यही सलाह दूँगी कि हर मज़हब की आप लोग इज़्ज़त करें एहतराम करें और जो क़ानून में हुकूमत ने एक्ट्स बनाए हैं उन पर अमल करें तो बच्चों मैं समझती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा अगली क्लास में हम इसे दोबारा कंटिन्यू करेंगे तब तक के लिए इजाजत दीजिए खुदा हाफिज अनुण